गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। इसमें हमने एक लेसन कंप्लीट किया, थर्ड नंबर लेसन। तो उसमें आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप अपनी बुक अपने पास ओपन रखिए, जैसा जैसा आपको बताया जाए वैसा वैसा आपने अपनी कॉपी में उसको नोट करना है और अच्छी सी हैंड राइटिंग में आपने उसे लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। हमने इसमें पढ़ा है लेसन नंबर 3, हैन एंड द फॉक्स, ठीक है। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं पेज नंबर 3013, ए पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट डिड पैनी डू अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी उठ के पैनी क्या करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, Why did the fox catch the first animal he came across? जो fox था वो अपने सामने आने वाले पहले जानवर को क्यों पकड़ता था। Question number 3, What was the rule that animals of the forest followed? जंगल में वो ऐसा कौन सा रूल था जिसे वहाँ के सभी जानवर फॉलो करते थे। Question number 4, Why was it becoming difficult to find prey for hunt? शिकार करना जंगल में क्यों मुश्किल हो रहा था, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन है 8 और हम करेंगे इसमें 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास फोर्थ है, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, डेट है आज 9th July 2021, ए पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, What did Penny do early in the morning? सुबह जल्दी उठ के Penny क्या क्या करती थी। तो देखते हैं, Penny wake up early in the morning and go out to hunt for worms in the forest. तो Penny जल्दी उठकर कहाँ जाती थी, शिकार पे जाती थी। worms in the forest मतलब छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको सर्च करती थी, कहाँ जाके शिकार करने के लिए उनका जंगल में जाती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द फॉक्स कैच द फर्स्ट एनिमल ही केम अक्रॉस। तो फॉक्स अपने सामने आने वाले पहले जानवर को क्यों पकड़ता था, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। तो देखिए, द फॉक्स कैच द फर्स्ट एनिमल ही केम अक्रॉस एंड ब्रिंग इट होम टू ईट। तो क्या करता था फॉक्स, अपने सामने आने वाले पहले जानवर को पकड़ता था और घर में लाकर उसे खाता था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट वाज द रूल दैट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉलो। ऐसा कौन सा नियम था, वो कौन सा नियम था जिसे जंगल के सभी जानवर फॉलो करते थे। आंसर देखिए, The rule that animals of the forest followed was they were not allowed to hunt animals of their own colony. तो जंगल में जानवरों का नियम यह था कि वो अपने ही कॉलोनी के जानवरों का शिकार नहीं करेंगे, ठीक है। ये नियम बनाया था जानवरों ने कि अपने ही कॉलोनी के किसी भी जानवर को मारेंगे नहीं, हंट नहीं करेंगे, किसी भी अपनी कॉलोनी के जानवर का शिकार नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज इट बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्रे फॉर हंट। क्यों डिफ़िकल्ट हो रहा था जंगल में प्रे का शिकार करना। देखिए, जानवरों का शिकार करना क्यों टफ हो रहा था। आंसर है, इट वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड प्रे फॉर हंट बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज द एनिमल्स स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। तो क्या क्यों मुश्किल हो रही थी, मुश्किल इसलिए हो रही थी क्योंकि जंगल के जो पेड़ थे वो कट चुके थे और अब जो जानवर थे वो क्या होने लग गए थे, डिसअपीयर होने लग गए थे, गायब होने लग गए थे। क्योंकि जब पेड़ कट गए, जंगलों के जब पेड़ काटे जाएंगे तो जानवर फिर वहाँ से दूर भाग जाएंगे अपने बचाव के लिए। तो यही कारण था जिस वजह से जानवरों का शिकार करना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो केवल ये 4 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे अपनी कॉपी में और आपने इनको लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी कॉपी में इसे आप अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखेंगे और साथ ही इसको लर्न भी करेंगे, ओके।
जैसे करिए आप अपनी कॉपी में।